स्टार्ट करना है इक्विवेलेंस क्लास से। ठीक है, तो देखो समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानने के लिए बहुत सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इक्विवेलेंस क्लास समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मान लो एक हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है। अच्छा, उस हाई स्कूल का कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग कि अल्फा हाई स्कूल है। ये अल्फा हाई हाई स्कूल है। ठीक है, मान लो ये एक हाई स्कूल है ना। अच्छा, अब हाई स्कूल में जो क्लासेस हैं वो हैं, कौन कौन सा क्लास का बच्चा इसमें पढ़ता है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो अल्फा हाई स्कूल है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, 4 क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलो देखो, ये हाई स्कूल, मान लो ये हाई स्कूल एक सेट है हमारा। हाई स्कूल क्या सेट है, क्योंकि कोई भी रिलेशन जो होता है वो एक सेट में होता है। तो हमने एक हाई स्कूल ले लिया, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो इसके सारे अल्फा हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का एक सेट है। अच्छा, इसमें ना हमको एक रिलेशन लेना है जो कैसा हो, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, तो हम एक रिलेशन इसमें लेते हैं। तो एक रिलेशन ले रहे हैं, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। उस रिलेशन का नाम है क्लासमेट। एक रिलेशन है क्लासमेट। ठीक है, क्लासमेट एक रिलेशन है। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, जैसे कि मान लो अल्फा हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सारे बच्चों को जो है असेंबली में बुलाया और बोला कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या हो जाओ, लाइन में लग जाओ। सारे क्लासमेट जो है ना वो लाइन में लग जाओ। तो क्या होगा, सारे क्लासमेट लाइन में लग जाओ तो कितने लाइन बन जाएंगे। तो तुरंत ये क्लासमेट जो है ना, ये क्लासमेट जो रिलेशन है ना, अगर इस रिलेशन के हिसाब से अगर हमको अलग करना हो तो यहाँ पे 4 लाइन बन जाएगा। एक लाइन बनेगा 9th क्लास वाले का, एक लाइन बनेगा 10th क्लास वाले का, एक लाइन बनेगा 11th क्लास वाले का और एक लाइन बनेगा 12th क्लास वाले का। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 11th क्लास वाले लाइन में, 9th क्लास वाले लाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस लाइन में खड़े हो जाएंगे। 10th वाले का भी सारे स्टूडेंट, जो भी 10th क्लास का स्टूडेंट है वो इसमें आगे खड़े हो जाएंगे। जो तुम्हारा 11th क्लास में स्टूडेंट है वो समझ लो यहाँ आगे खड़े हो जाएंगे। ये 11th क्लास का स्टूडेंट है और 12th क्लास का स्टूडेंट समझ लो इस लाइन में आके सारे 12th क्लास के स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, इस तरह से सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। अच्छा, सबसे पहले बात देखो ध्यान से, हाई स्कूल तो क्या हो गया हमारा एक, हाई स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अल्फा हाई स्कूल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, तुम्हारा एक सेट है। क्लासमेट एक रिलेशन है। अच्छा, क्लासमेट कैसा रिलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो क्लासमेट है, ये तो तुम्हारा हाई स्कूल में सारे स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा एक सेट है, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी सेट बोल सकते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट है। एक सेट है तुम्हारा, दिया हुआ सेट है तुम्हारा, एक सेट है तुम्हारा। और क्लासमेट क्या है, तुम्हारा एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, थोड़ा ध्यान दे लो कि हर एक स्टूडेंट खुद का क्लासमेट होता है। एक स्टूडेंट और मैं एक ही क्लास में पढ़ता हूँ। हर एक स्टूडेंट खुद का क्लासमेट होता है, तो हर एक स्टूडेंट खुद से रिलेट कर रहा है। जब खुद से रिलेट कर रहा है तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर मान लो 2 स्टूडेंट है ए और बी, ए अगर बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट होगा। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। ए बी का क्लासमेट है, बी सी का क्लासमेट है, तो ए सी का क्लासमेट हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो क्या दिखा यहाँ पे, क्लासमेट जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये तुम्हारा क्लासमेट जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्लासमेट कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या हुआ कि सेट जो है तुम्हारा, ये जो सेट है तुम्हारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, क्लासमेट जो इक्विवेलेंस, किसी सेट को, ये जो सेट है तुम्हारा, इस सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कर दिया, पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है ना। तो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, तो देखो यहाँ पे 4 पार्टीशन, 4 अलग अलग सेट बन गए। एक बना 9, 10, 11 और 12। एक्चुअली इसका 9, 10, 11, 12 क्लास बना कैसे वो समझ लो। तुम देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो ये क्या हुआ, तो क्लासमेट जो है इस सेट्स को चार डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। चार डिसजॉइंट सब अलग अलग पार्टीशन में, चार डिसजॉइंट सबसेट्स बोल दो या चार अलग अलग पार्टीशन है। पार्टीशन कहने का मतलब इसका एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, सब डिसजॉइंट है, एक भी ज्वाइंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो? तो तुम थोड़ा देखो क्या हुआ, सेट को क्लासमेट मतलब एक सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देता है मतलब किसी में कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, ये जैसे मान लो कि ये पार्टीशन बन गई, ये क्या बन गया, पार्टीशन। तो यहाँ पे चार बना, तो यहाँ पे चार बना क्योंकि मैंने स्कूल में चार ही क्लास लिया था तो चार पार्टीशन बना। अगर ज्यादा क्लास होता तो ज्यादा पार्टीशन बनता। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। वो कितना भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, वो मतलब क्या हो गया, पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अच्छा, अब इस पार्टीशंस का खासियत देखो क्या होता है इसमें, कि इसमें जितने भी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इसका, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करा क्योंकि रिलेशन क्लासमेट है। तो ये इसका क्लासमेट है, ये इसका क्लासमेट, ये इसका क्लासमेट, ये इसका, सब एक दूसरे का क्लासमेट है। मतलब इस रो में जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं सब एक दूसरे का क्लासमेट है ना, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सब क्या है तुम्हारा, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें भी देखो जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं सब क्या है तुम्हारा, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें भी जितने स्टूडेंट खड़े हैं सब क्या है तुम्हारा, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें भी जितने स्टूडेंट खड़े हैं सब क्या है तुम्हारा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहला क्या आया कि भैया जो भी पार्टीशंस में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे ही, हर एक पार्टीशंस अपना अलग अलग जो पार्टीशंस है वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। पहला बात तो ये आया कि सारे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। दूसरा बात क्या आ रहा है देखो, दूसरा बात, तो दूसरा बात क्या आ रहा है कि इस सेट का, ये जो सेट बना, इस सेट का और किसी से मतलब इसका, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या? ऐसा हो सकता है कि ये इसका क्लासमेट हो जाए? नहीं हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेट नहीं करेगा या इसका इससे रिलेट नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, एक सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरा पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के एक सेट का कोई भी एलिमेंट पार्टीशन के दूसरे सेट से, पार्टीशन में जो दूसरा सेट है उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो डिसजॉइंट है। जो क्लास 9 में पढ़ेगा वो 10 में थोड़ी पढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कभी भी रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें से कोई भी दो का उठा लो, जैसे कि ये एक सेट उठा ली, ये सेट उठा ली, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। तो दूसरा बात ये रहा। तीसरा बात क्या हुआ, तीसरा बात ये हो गया कि अगर मान लो सारे का यूनियन कर लो, इस वाले सेट का, इस वाले सेट का, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का, अगर हम यूनियन कर लें, सारे का यूनियन कर लें तो हमको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, हाई स्कूल, मतलब वो पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, एक सेट है और एक इक्विवेलेंस रिलेशन उसको क्या कर दिया, n, मान लो यहाँ पे 4 है तो n पार्टीशंस में, डिसजॉइंट पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया गया। और जब पार्टीशंस में डिवाइड किया तो पहला बात क्या है कि हर एक पार्टीशन जो है, हर एक पार्टीशन का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या करेगा, रिलेट करेगा। पहला बात, पार्टीशन का, एक पार्टीशन का एलिमेंट दूसरे पार्टीशन से कभी रिलेट नहीं करेगा। और तीसरा, अगर सारे का यूनियन ले लिया जाए तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, हमको सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो कहता है इसमें से जो हर एक पार्टीशन होता है, ये जो पार्टीशन आया 9, ये 10, यही पार्टीशन क्या कहला गया, इक्विवेलेंस क्लास कहला गया। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, समझो बात। जैसे कि मान लो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट है तो हम ना इसको 9th क्लास के अलावा और बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला स्टूडेंट का नाम है राम, ये वाला स्टूडेंट का नाम है राम। तो क्या हो गया, अगर हमको बोलेगा बताओ राम का इक्विवेलेंस क्लास कौन सा है, तो राम का इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग, जैसे राम का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है तो हम लोग राम लिख के इक्विवेलेंस क्लास को कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो राम का इक्विवेलेंस क्लास, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग राम, राम को जोड़ते हुए सारा स्टूडेंट्स का नाम लिख दो, ये राम का इक्विवेलेंस क्लास हो गया, है ना। तो क्लास 9 क्या हो गया, पूरा क्लास 9 राम का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। जैसे कि मान लो 10 क्लास में एक स्टूडेंट है श्याम, तो श्याम का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, पूरा का पूरा क्लास 10 श्याम का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। 11th में मान लो मोहन है, ठीक है, तो मोहन का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, पूरा का पूरा 11th क्लास मोहन का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। उसी तरह सोहन ले लो, सोहन मान लो क्लास 12 में है तो सोहन का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, पूरा का पूरा 12 क्लास इक्विवेलेंस क्लास हो गया सोहन का। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, मतलब अब शॉर्ट में अगर बात कर लो तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, कि मान लो अगर जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो उस एलिमेंट से जो जो रिलेट करता है, उस एलिमेंट से जो जो रिलेट करता है सारे का सेट ही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। जैसे कि राम से कौन कौन रिलेट करेगा, रिलेशन ऑब्वियसली दिया हुआ रहेगा, तुम्हारा यहाँ क्लासमेट रिलेशन है तो राम का जो जो क्लासमेट है वो सब उसके इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास हमको निकालना होता है तो हमको ढूंढना होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से कौन कौन सा एलिमेंट, पूरे सेट का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट करता है, जो जो एलिमेंट रिलेट करेगा वो उसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो इसी बात को अब हम लोग देख लेते हैं। इसी बात को, ये तो हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल से हम समझा दें, इसी बात को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पूरा का पूरा समझना ध्यान से। एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है, एक कोई आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन है, जैसे कि हम लोग ने क्लासमेट लिया था। एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्रेरी सेट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है अभी हम लोगों ने क्लासमेट लिया था, और आर्बिट्रेरी सेट एक्स जो है वो हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा हाई स्कूल लिया था। ठीक है, आर डिवाइड, आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन कहने का मतलब, अभी क्लासमेट हम लोग रिलेशन लिए थे, यहाँ पे हम लोग रिलेशन लिए हैं तो वो जो आर डिवाइड्स एक्स, आर क्या करता है एक्स को, मतलब आर रिलेशन किसको, सेट को डिवाइड करता है इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई, मतलब ए आई कहने का मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो कहता है क्या, आर जो है मतलब रिलेशन जो है पूरे सेट्स को क्या करता है, डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई में म्यूचुअली डिवाइड कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। अभी तुम देखा था क्या हुआ था कि हम लोगों ने जैसे ही क्लासमेट लिया तो पूरा का पूरा सेट जो है हाई स्कूल वो टूट गया चार हिस्सों में, उसी तरह ये आर एक्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशंस बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सब डिविजन बोलते हैं एक्स का। सेटिस्फाइंग, वो क्या क्या सेटिस्फाई करता है, पहला बताए थे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। हर एक एलिमेंट, जैसे ए आई ले ली, ए वन ले लिए, ए वन का जितना भी एलिमेंट है सब एक दूसरे से रिलेट करेगा, ए टू का जितना भी एलिमेंट है वो सब एक दूसरे से रिलेट करेगा, ए थ्री का जितना एलिमेंट है वो सब एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, ए फोर, उसी तरह क्या होगा, जितना भी पार्टीशन है तुम्हारा सब एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, वो बता चुके थे हम कि 9 क्लास का सारा स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, 10 क्लास का सारा स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, 11th का सारा स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, 12th का सारा स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। No element of AI are related to any element of AG। कहता है कोई भी एलिमेंट, जैसे 9th क्लास का कोई भी एलिमेंट 10th क्लास के किसी भी एलिमेंट से, मतलब किसी भी स्टूडेंट से रिलेट नहीं करेगा। वही बात यहाँ पे है कि AI का कोई भी एलिमेंट AJ के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। I not equals to J, I और J अलग अलग होना चाहिए, जैसे A1 और A2 हो गया। A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। यूनियन ऑफ AJ, ठीक है, इक्वल्स टू X। यूनियन जो होगा, सबका यूनियन ले लेंगे तो पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। वही होगा कि अगर सबका यूनियन लेंगे तो हमारा जो सेट एक्स है वो मिल जाएगा। और दोनों का कोई भी दो पार्टीशन ले लो, जैसे 9 10, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, द सबसेट्स ए आई आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये जो सबसेट्स होता है ए आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तो हमको लग रहा है समझ में आ गया इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तुम बार बार समझा रहे हैं, शॉर्ट में समझो कि जिसका भी हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है, हमको ढूंढना है कि उस एलिमेंट से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है। अगर कहता है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालो, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट से रिलेट करने वाले सारे एलिमेंट को लिख दो, वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? चलो ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, अब करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ आर बी द रिलेशन इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। कहता है आर रिलेशन है कि सेट ए में, और एक्स बिलोंग्स टू जेड 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 गिवन बाय ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तब 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो सबसे पहला बात ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि ए में, ए जो है ना तुम्हारा, इसमें देखो ए क्या है तुम्हारा, जेड है, और 0 से बड़ा बराबर और 12। तो ए कहां से शुरू होगा, 0 1 2 थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, ये तुम्हारा ए हो गया। ठीक है, अब रिलेशन क्या है तुम्हारा? रिलेशन क्या है कि मॉडुलस ए माइनस बी, मतलब रिलेशन क्या होगा? मॉडुलस ए माइनस बी। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, वो चार का मल्टीपल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? चार का मल्टीपल होना चाहिए। तो चार का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें से देखो अगर इसका हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जिसका क्या होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जो क्या होना चाहिए, जिसका जो चार का मल्टीपल हो। चार का मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो रहा है, या तो माइनस करने पर जीरो आ जाए, या तो चार आ जाए, या तो आठ आ जाए, या तो बारह आ जाए। ठीक है, तो चार जीरो चार आठ बारह, यही चार का मल्टीपल आएगा। सोलह वो तो है ही नहीं, तो चलिए यही होगा तुम्हारा कि मल्टीपल क्या आ जाए तुम्हारा, डिफरेंस मल्टीपल क्या आ जाए, वो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो फोर एट और ट्वेल्व आ जाए, तो ये फोर का मल्टीपल है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो कि हमको किसका बोल रहा है, इक्विवेलेंस क्लास वन का बोल रहा है हमको, इक्विवेलेंस क्लास वन का। जैसे वन का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, तो अभी हम क्या बोले थे कि तुम ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो वन से रिलेट करे। कहने का मतलब वन से रिलेट करे, तो वन से रिलेट कौन करेगा? कहने का मतलब अगर ये ए वन है तो तुमको बी ढूंढना है कि क्या होगा, तो वन से रिलेट करने वाला कौन होगा? डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो वन में क्या माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो वन में वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। वन 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 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो आ रहा है, और जीरो फोर का मल्टीपल है। फिर देखो अब वन से किसको माइनस करें कि फोर आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस है, माइनस में भी आएगा तो भी फोर ही होगा। तो दूसरा क्या लग रहा है, वन में एक तो वन माइनस कर लें, टू करेंगे तो वन आएगा नहीं चलेगा, थ्री करेंगे तो टू आएगा नहीं चलेगा, फोर करेंगे तो थ्री आएगा नहीं चलेगा। हाँ, फाइव करेंगे तो फाइव, वन माइनस फाइव कितना आ रहा है, वन माइनस फाइव माइनस फोर, और उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, फोर। तो क्या आ जाएगा दूसरा, क्या है तुम्हारा फाइव। ठीक है, क्योंकि वन माइनस फाइव कितना आ रहा है तुम्हारा, फोर आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस है, फोर आ रहा है, और फोर किसका होता है, फोर का मल्टीपल होता है। फिर क्या, एट देखो, एट कहाँ से मिलेगा हमको, वन में क्या माइनस करेंगे, वन में नाइन माइनस करेंगे तो एट मिलेगा। ठीक है, वन में क्या माइनस करेंगे, नाइन माइनस करेंगे तो एट मिलेगा, तो नाइन आ गया तुम्हारा। और अब बचा ट्वेल्व, क्या वन में कुछ है हमारे पास, ट्वेल्व है, अगर लास्ट ट्वेल्व भी लेते हैं तो इलेवन आता है, तो मेरा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वन का इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या होगा, क्योंकि वन से कौन कौन रिलेट कर रहा है, वन फाइव नाइन, तो वन का किससे रिलेट कर रहा है, वन से, फाइव से और नाइन से, इसीलिए वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, वन फाइव और नाइन। देखो आंसर है हमारा, हाँ है बी आंसर है हमारा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास, तो वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गया, वन फाइव और नाइन। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, देखो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब थोड़ा देखो ध्यान से 28 पर क्या कह रहा है, इफ आर विद द रिलेशन इन सेट एन। आर क्या है, रिलेशन है किस सेट में, एन में। एन कहने का मतलब क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स माइनस वाई इज इवन, एक्स माइनस वाई इज इवन, मतलब दो नंबर जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, दो नंबर जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दो नंबर जिसका डिफरेंस, तब बोल रहा है टू का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा होकर। ये तो मान लो एक्स टू आ गया तुम्हारा, क्योंकि टू का इक्विवेलेंस क्लास है, तो एक तो टू आ ही गया। अब वाई हमको ढूंढना है क्या क्या हो सकता है, तो टू में क्या माइनस करेंगे तो इवन आएगा, तो पहला तो टू ही माइनस कर दो, क्योंकि टू माइनस टू जीरो होता है, और जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, कंफ्यूज मत करना। तो टू माइनस टू, अच्छा उसके बाद फिर क्या, टू में क्या माइनस करेंगे, फोर, तो टू माइनस फोर फिर से टू आ जाएगा, तो इवन नंबर है, तो फोर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिक्स ले लो, क्योंकि टू माइनस सिक्स क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सबका मॉडुलस में ले रहे हैं इसलिए निगेटिव हम नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, टू माइनस एट कर लो, सिक्स आ जाएगा, टू माइनस टेन कर लो, इस तरह से करने का कहने का मतलब टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन ऐसा आते जाएगा। तो देखो तो ये कौन सा नंबर है, ये है इवन नंबर, तो पहला आंसर है ऑड, गलत है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है इवन नंबर, सही बात है, टू का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया, इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम गलत है। ठीक है, कंपोजिट भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। समझ में आया बात? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, सम एग्जाम्पल्स फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सारा थ्योरी हम लोगों के पास जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव करने से क्या होता है ना कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलो देखो क्या है तुम्हारे पास, क्या कह रहे हैं, आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। किसमें आर रिलेशन, किसमें 1 2 3 4 में गिवन बाय आर दिया हुआ है। तो पहला, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में देखना है, तो क्योंकि 1 2 3 4 में है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो देखो क्या 1 1 है अपने पास, 2 2 है अपने पास, 3 3 है अपने पास और 4 4 भी है। तो पहला रिफ्लेक्सिव तो हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव टिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो सॉरी ए बी, जैसे देखो 1 2 क्या 2 1 रिलेशन में है, सॉरी तो 1 2 रिलेशन में, क्या 2 1 रिलेशन में है, तो देखो ध्यान से 2 1 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही 1 2 रिलेशन में, 2 1 रिलेशन में नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक क्रॉस हो गया। ट्रांजिटिव में अब देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव में क्या बताए थे, ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में, तब एसी रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसे देखो 1 2 रिलेशन में है, अब 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, 2 2 है, तो 1 2 और 2 2, ए बी बी सी ए सी 1 2 है। चलो ठीक है, 1 2 और 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो देखो ये तो पास हो गया अभी। अब फिर देखो 2 2 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो चलो ये भी पास कर गया। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 2 ए बी बी सी ए सी 1 2 1 2 है मेरे पास। ठीक है, फिर 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 3, तो 1 1 1 3 ए सी 1 3 है मेरे पास, और 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये भी पास हो गया। 4 4 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये भी पास हो गया। 1 3 3 3 ए बी बी सी ए सी 1 3 है ना, 1 3 है मेरे पास। अब देखो 1 3 3 2, तो 1 3 3 2 ए बी बी सी ए सी 1 2 1 2 है मेरे पास, तो देखो ये भी पास हो गया। अब देखो 3 3 3 2 ए बी बी सी ए सी 3 2 ऑलरेडी है हमारे पास, 3 2 और तो 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये भी पास हो गया। 3 2 और 2 से शुरू होने वाला 2 2, तो 3 2 2 2 ए बी बी सी ए सी ए सी कहने का मतलब 3 2, तो देखो 3 2 भी है हमारे पास, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही बात है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो दूसरा मेरा बी आंसर सही है। ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं, गलत है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। आया समझ में? ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्वेश्चन नंबर 30, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन एम। आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर में, आर रिलेशन है नेचुरल नंबर में, और कैसा है, एन एम, एन रिलेट कर रहा है एम से, इसका मतलब एन डिवाइड्स एम, जब एन को एम डिवाइड करे, कहने का मतलब एन और एम रिलेशन में है। कब, इफ एन डिवाइड्स एम, एन अगर एम से डिवाइड करे तब क्या होगा, आर क्या है। तो पहला बात, हर एक एलिमेंट जो भी नेचुरल नंबर में है, कोई भी नेचुरल, जैसे कि मान लो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर में है, तो हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए ए रिलेशन में होना चाहिए था। तो ए रिलेशन का मतलब ये ए इस ए से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल है ना, जैसे एन डिवाइड्स एम, एन डिवाइड्स एम, n क्या कर रहा है, डिवाइड्स m, n m को डिवाइड कर रहा है, n क्या कर रहा है, m को डिवाइड कर रहा है, n डिवाइड्स m। तो ये इस a को आराम से डिवाइड कर देगा, नहीं, हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है, तो ये इस a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो पहला तो मेरा रिफ्लेक्सिव पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के बाद सिमेट्री देखो, अगर कह रहा है कि a b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स b करेगा, a डिवाइड्स b, मतलब a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है b को। कहने का मतलब ये 2 है, ये 4 है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को, तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा, नहीं, 2 4 को डिवाइड कर देगा, बट 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। इसका मतलब a b तो रिलेशन में है बट b ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में मान लो कि a b रिलेशन में है और बी सी भी मेरा रिलेशन में है, इसका मतलब a किसको डिवाइड कर रहा है, b को। तो ऐसा देखते हैं जैसे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को, है ना, और 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी क्या कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा, है ना। इसका मतलब a अगर b को डिवाइड करेगा, b c को डिवाइड करेगा, तो a किसको डिवाइड कर देगा, c को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक गलत है, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आंसर मेरा क्या है, डी है। समझ में आया बात, चलो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। थर्टी फर्स्ट, अच्छा देखो 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है कि लेट एल डिनोट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, मतलब एल क्या है, एक सेट है जिसमें सारा स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, इसमें जितना स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं सारा का एक सेट है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय एल रिलेट टू एम, एल रिलेट कर रहा है एम से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन एल है और एक स्ट्रेट लाइन एम है, ये दोनों रिलेट कर रहा है, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब एल इज परपेंडिकुलर टू एम, इफ कब, जब एल परपेंडिकुलर हो एम पर, एल क्या हो, परपेंडिकुलर हो एम पर। तो क्या अब तुमको चेक करना है, तो जैसे कि मान लो कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है एल बिलोंग्स टू एल, तो क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको खुद से रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, खुद से रिलेट करने के लिए एल को एल पर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो कोई लाइन क्या खुद पर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहला रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि मान लो एल एम दो लाइन है, दो लाइन है एल का, ठीक है, और ऐसा है कि एल एम जो है ना तुम्हारा रिलेशन में है। अच्छा, एल एम अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, रिलेशन का डिफिनेशन है क्या कि रिलेशन में कब होगा, जब L परपेंडिकुलर है M पर, तो जब L M का परपेंडिकुलर है तो M भी क्या हो जाएगा, L का परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब अगर L भी L M रिलेशन में है तो M L भी क्या हो गया तुम्हारा, रिलेशन में हो गया। इसका मतलब कि L M रिलेशन में तो M L भी रिलेशन में, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देख लो, जैसे कि मान लो L M रिलेशन में है और M N भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि L परपेंडिकुलर है M का और M परपेंडिकुलर है N का, तो L अगर M का परपेंडिकुलर है और M अगर N का परपेंडिकुलर है, तो जैसे कि मान लो ये लाइन L है, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन M है और ये लाइन N है, तो तुम देखो L परपेंडिकुलर है M पर और M परपेंडिकुलर है N पर, लेकिन L और M दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हो पाया। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, L इज पैरेलल टू M N, तो ये दोनों पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं हो पाया, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन क्या हुआ, सिर्फ सिमेट्रिक हुआ। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, नन तो छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि एक आंसर मिल गया मेरा, तो नन नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया बात, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो देखो, फॉर रियल नंबर्स एक्स वाई डिफाइंड एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कहता है एक्स वाई देन आर इज, कहता है एक्स वाई डिफाइन एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ इतना। देखो फॉर रियल नंबर, कहता है रियल नंबर, कह रहा है कि पूरा रियल नंबर है, मेरा रियल नंबर सेट है, कह रहा है और ये एक्स, एक्स और वाई कब रिलेट कर रहा है, एक्स रिलेट कर रहा है वाई से, कब, इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, ये क्या हो, बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर क्यू बार, बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ये क्यू बार है। ठीक है, तो अगर ये है तब एक्स वाई रिलेशन में, समझ लो बात है ना। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचते हैं। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब होता है कि एक्स रिलेट करना चाहिए था एक्स से, तो एक्स रिलेट जब एक्स से करेगा तो डिफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, एक्स माइनस वाई के भी जगह एक्स आएगा प्लस रूट टू, तो ये एक्स एक्स कट गया, क्या बचा रूट टू। क्या रूट टू इरेशनल है? हाँ इरेशनल है। रूट टू क्या आ गया तुम्हारा, इरेशनल नंबर आ गया। तो रिफ्लेक्सिव तो डन हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा मेरा एक आंसर तो मिल ही गया रिफ्लेक्सिव। तो ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखो 33 क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट रिलेशन आर ऑन टी बी डिफाइंड एज ए आर बी। जैसे क्या कह रहा है यहां पर, देखो थोड़ा सा ध्यान से कि टी क्या है तुम्हारा, जितना भी ट्रायंगल है, जैसे कि ये प्लेन है तुम्हारा, इस प्लेन में जितना भी ट्रायंगल है वो टी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है। अगर ए बी के क्या कन्ग्रुएंट है, ए बी के क्या है तुम्हारा कन्ग्रुएंट है, तब तुमको बताना है क्या होगा। तो थोड़ा समझो बात, जैसे कि मान लो एक ट्रेंगल है T1 बिलोंग्स टू, मान लेते हैं T में, T क्या है तुम्हारा सारा ट्रेंगल का सेट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक खुद से रिलेट करना चाहिए। तो T1 क्या खुद के कन्ग्रुएंट होगा, तो बिल्कुल T1 के क्या होता है कन्ग्रुएंट होता है, हर एक ट्रेंगल खुद का क्या होता है कन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब T1 R में आ गया। फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, इसका मतलब कोई भी ट्रेंगल उठा के ले लो वो खुद के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहला तो रिफ्लेक्सिव डन हो गया। सिमेट्रिक की बात करो, जैसे कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए T1 T2 दो ट्रेंगल है T में, और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि T1 T2 रिलेशन में है, तो T1 T2 मान लेते हैं रिलेशन में है। तो अगर T1 T2 रिलेशन में है तो क्या रहा होगा, T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2, और T1 अगर T2 के कन्ग्रुएंट है तो ध्यान दो T2 भी क्या होगा T1 के कन्ग्रुएंट होगा। तो जब T2 T1 के कन्ग्रुएंट होगा तो T2 T1 बिलोंग्स टू R हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर T1 T2 R में था तो T2 T1 भी क्या आ गया R में आ गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी डन। अब ट्रांजिटिव के लिए सोचो, जैसे कि मान लेते हैं T1, T2, T3 तीन है तुम्हारा, टी में तीन है, और ऐसा है कि T1 T2 R में है, और T2 T3 भी कहाँ है तुम्हारा R में है, मतलब रिलेशन में। अगर T1 T2 रिलेशन में है तो T1 क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, और T2 T3 अगर R में है तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट, तो T1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस बार क्या कह रहा है, कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। कहता है एक फैमिली में चिल्ड्रन है, उसका सेट है, रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए अगर बी का ब्रदर है तो वो रिलेशन में है, ठीक है। तो हर एक कोई भी एक बच्चा को उठा लो, वो खुद का ब्रदर है ना। एक लड़का है तो वो खुद का ब्रदर है, तो वो खुद का ब्रदर है तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक। अगर मान लो ए बी का ब्रदर है, ए बी रिलेशन में, ए बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ए लड़का है, बी लड़की है, तो ए तो बी का ब्रदर हो गया बट बी तो ए की सिस्टर हो गई ना, तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। हर एक खुद का ब्रदर हो गया, खुद का ब्रदर बोल सकते हैं, मैथ्स में ले लिया जाता है कि मैं खुद का भाई हूँ, ठीक है। मैं और मैं क्योंकि एक ही पिता के पुत्र हूँ तो मैं खुद का भाई हो गया, ठीक है। उसी तरह ए बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव। ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो अगर ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही बात है। ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये है तुम्हारा आंसर, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव है, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गलत है। तो आंसर क्या है मेरा? बी ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्या कह रहा है? The maximum number of equivalence relation on the set A = 1, 2, 3 are। कहता है सेट A है तुम्हारा, उसमें कितने ज्यादा से ज्यादा equivalence relation हो सकते हैं। equivalence कहने का मतलब reflexive, symmetric और transitive। तो A क्या है तुम्हारा? 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, ठीक है। तो A क्रॉस A निकाल लो, तो A क्रॉस A क्या आएगा? A क्रॉस A आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है ना। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1 ये आ गया। तो सबसे पहले आ गया, अब कितना बोल रहा है कि 1, 2, 3 कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो क्या हो गया 1, 1, 2, 2 और 3, 3। एक रिलेशन तो ये ले लो, तो ये क्या है तुम्हारा? देखो ध्यान से 1, 1, 2, 2 ये रिफ्लेक्सिव है, 1, 1 पलट दो 1, 1, 2, 2 पलट दो 2, 2 3, 3 पलट दो 3, 3 सिमेट्रिक भी हो गया। 1, 1, 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 2, 2, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 3, 3, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ट्रांजिटिव है। तो एक आ गया यहाँ पे, एक रिलेशन तो ऐसा आ गया। अब जैसे देखो दूसरा हम एक रिलेशन ले रहे हैं, हमको इक्विवेलेंस बोलता है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा देखो ये 1, 1 ये तो लेंगे ही, 2, 2 और 3, 3। अब इसके साथ हम लोग ना 1, 2 जैसे ये तो पहले से ले चुके हैं, ये और ये तो ले चुके हैं। अब हम ना इसके लिए ये लेते हैं 1, 2 तो जैसे ही 1, 2 लेंगे हम, है ना, तो ये अभी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक बनाने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? 2, 1 भी लेना पड़ेगा, तो चलो 2, 1 भी ले लिए। तो क्या अभी ये ट्रांजिटिव है? तो थोड़ा देखो 1, 1, 1, 2, 1, 2 अवेलेबल है हमारे पास। अब तुम देखो 1, 2, 2, 2 1, 2, 2, 2 तो 1, 2 ये भी है हमारे पास, अभी ट्रांजिटिव है। अब और 2, 1, 1, 1 2, 1, 1, 1 तो 2, 1 वो भी है हमारे पास, ठीक है। अब 2, 1 और 1 से शुरू होने वाला 1, 2 तो 2, 1, 1, 2 2, 2 ये भी है हमारे पास। तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये भी हो गया। तो ये दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब चलो इसका मतलब अब ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। अब थोड़ा देखते हैं R 1, 1 अभी हमारे पास क्या आ गया? ये वाला पहले से देखते हैं 1, 2 2, 1 2, 2 और 3, 3 अब देखो हम लोग क्या करते हैं 1, 3 लेते हैं, तो 1, 3 ले लिए। अच्छा 1, 3 ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3, 1 भी लेना पड़ेगा। अभी ये सिमेट्रिक तो हो गया, क्या ट्रांजिटिव है? देखो ध्यान से, जैसे देखो यहाँ पे 1, 1, 1, 3 तो 1, 3 है मेरे पास। और देखो 2, 1 2, 1 1, 3 तो 2113, तो 23 होना चाहिए, 23 नहीं है तो चलो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 23 डाल दें। अच्छा 23 डाल दिया तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 32 भी डालना पड़ेगा। तो अब तो हमको लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा का सारा आ गया, तो ये भी अभी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं 3। तो हमारा कितना इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, आंसर सी 3 आ जाएगा। समझ में आया बात? क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, 3 इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें भी देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि इफ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट 1 2 3, थोड़ा देखना ध्यान से, एक रिलेशन है 1 2 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डिफाइंड बी डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 2 देन आर इज, कहता है कि आर 1 2 है, आर इक्वल टू 1 2 है, रिलेशन में 1 2 है, तब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। हाँ ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 2 ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। आया समझ में? 36 था। चलो 37 देखो, अब यहां पे हम लोग लेते हैं, क्या कह रहा है, थोड़ा देखो। समझो बात, क्या कह रहा है, लेट अस डिफाइंड अ रिलेशन आर इन आर। ये आर रिलेशन है और ये आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ए रिलेटेड टू बी। ए बी कब रिलेशन में होगा, जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, मतलब पहला वाला अगर दूसरा से बड़ा या बराबर है तो हम बोलेंगे वो क्या है तुम्हारा रिलेशन में। तो क्या हर एक नंबर खुद से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा तो नहीं होता है बट बराबर होता है ना, हर एक नंबर खुद से, जैसे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, तो कोई भी नंबर रख लो वो खुद से बड़ा या बराबर होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि हर एक नंबर खुद से रिलेट कर रहा है। सिमेट्रिक का बात, जैसे देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन 1 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 क्या होगा, 1 2 से बड़ा या बराबर नहीं होगा, तो 2 1 रिलेशन में है ना तुम्हारा, 2 1 रिलेशन में है, 1 2 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ए बी रिलेशन में, बी ए रिलेशन में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखो, जैसे कि कोई भी, जैसे देखो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, तो ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी क्या है मेरा रिलेशन में, तो क्या है तुम्हारा ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, इक्विवेलेंस कार्ड तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही बात है, आंसर क्या आएगा मेरा बी, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, नाइदर ट्रांजिटिव, ये तो आंसर मेरा बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहा है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 कंसिडर द रिलेशन r इक्वल टू 1 2 2 2 3 3 1 2। इतना हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव क्या क्या है, ये चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है ये, तो थोड़ा देखो ध्यान से, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, ट्रांजिटिव देखो, अब 1 1 1 2 1 2 है, चलो ये पास हो गया, 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 है, 2 2 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 3 3 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 1 2 1 2 2 2 1 2 ए बी बी सी ए सी 1 2 है, अब 1 2 2 3 1 3 है, 2 3 3 3 2 3 है, और 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 1 3 3 3 1 3 है, तो ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, यही आंसर सही है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। दूसरा बोल रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव गलत है, सिमेट्रिक नहीं है, neither symmetric nor ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक तो ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव है, आंसर ए रहा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहा है क्या, कह रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो चलो देखो सबसे पहले ए क्या है तुम्हारा 1 2 3 है, ठीक है, ए है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए लिख लेते हैं हम लोग, ए क्रॉस ए लिख लेते हैं। तो क्या आ रहा है ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 1 3 2 3 3, ये ले लो तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है रिलेशन आर, इसमें क्या क्या रहना जरूरी है, आर में रहना जरूरी है 1 2 रहना जरूरी है और 1 3 रहना जरूरी है, ये दो रहना जरूरी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। चलो ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए भाई हमको 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 2 1 चाहिए और क्या चाहिए 3 1 चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया, क्या ट्रांजिटिव है चेक कर लो, क्या ट्रांजिटिव है। जैसे कि देखो ट्रांजिटिव, जैसे देखो 1 2 2 2 1 2 है मेरे पास, 1 2 2 1 1 1 भी है मेरे पास, 1 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 1 3 3 3 1 3 भी है हमारे पास, 1 3 3 1 1 1 भी है हमारे पास, 1 1 1 2 तो 1 2 भी है हमारे पास, 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 3 तो 1 3 भी है हमारे पास, 1 1 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 2 2 2 1 तो 2 1 भी है हमारे पास, 2 2 और 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 3 3 3 1 तो 3 1 भी है हमारे पास, और 2 1 1 2 2 2 है हमारे पास, 2 1 1 3 2 3 नहीं है, सही बात, 2 1 1 3 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक रिलेशन तो आ गया, अब दूसरा इतना को ही रखना है, इतना है ही मेरे पास। अगर इसमें तुम देखो क्या क्या आ गया मेरा, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, अब क्या बचा 2 1 भी आ ही गया है, 3 1 भी आ ही गया है। अच्छा अब हमारे पास बचा ये दोनों, अगर हम लोग 2 3 डालते हैं तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको 3 2 भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही सारा आ जाएगा तो वो तो क्या होता है ट्रांजिटिव भी हो जाता है। इसका मतलब एक ही आएगा, मतलब ये वाला सिर्फ आ रहेगा, एक ही ऐसा रिलेशन आएगा जिसमें कि ये दोनों इंक्लूड होगा 1 2 और 1 3, और ये रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा A1, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप 40 क्या बोल रहा है इसमें, ये भी इसी टाइप का समय, थोड़ा ध्यान दो तो देखो ध्यान से। A इक्वल्स टू 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 होना जरूरी है, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं। तो थोड़ा देखो ध्यान से, इसी में बना लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि देखो तुम्हारा कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जिसमें 1 2 होंगे, ठीक है। तो थोड़ा देखो, अगर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 रहना चाहिए, तो R में इक्विवेलेंस रिलेशन हमको लिखना है, 1 2 तो रहना जरूरी है। अच्छा ये तो हम पहले ले लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए अपने को, 2 2 चाहिए अपने को और 3 3 चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, 1 2 था 2 1 हो गया। अब देखो क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन तुमको लग रहा है ये हो गया, क्यों कि ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लो, 1 2 2 2 1 2 है हमारे पास, 1 2 2 1 1 1 है हमारे पास, 1 1 1 2 तो 1 2 भी है हमारे पास, 2 2 2 1 तो 2 1 भी है हमारे पास, और 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 3 3 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 2 1 1 2 तो 2 2 है हमारे पास, 2 1 1 1 तो 2 1 भी है हमारे पास। तो एक तो मिल गया हमको, एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा अगर मान लो तो तुम देखो इसमें क्या क्या आ गया, 1 1 आ गया है, 2 2 आ गया है, 3 3 आ गया है, 1 2 आ गया और 2 1 आ गया इतना। अच्छा अब हम इसमें अगर 1 3 जोड़ रहे हैं, 1 3 जोड़ेंगे तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही देखो यहाँ पे 2 1 1 3 तो 2 3 भी चाहिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो 2 3 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा का सारा एलिमेंट आ गया। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये वाला हो गया सब मिला के। तो हमारे पास कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। ऐसे भी हम लोग पिछले पहले देख चुके थे, 3 बन रहा था हमारा, जिसमें एक में तो 1 1 2 2 और सिर्फ 3 3 था, उसके अलावा और 2 बन रहा था, तो एक ये और एक पूरा मिला के ये। ठीक है, तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। ठीक है, चलो देखो 41 देखो क्या है हमारे पास। देखो लेट ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 2 3 be a relation, then maximum number of ordered pair may be added so that become an equivalence relation। तो कितना ज्यादा ordered pair डालेंगे कि वो क्या बन जाए, equivalence relation बन जाए। तो अभी A में तो 1 आ ही जाता है, A क्रॉस A तो अभी हम लोग लिखे थे, भूल से मिटा दिया उसको। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 3 ठीक है। अच्छा आर इसमें कहता है, इसमें से आर रिलेशन इन ए देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में बी एडेड सो दैट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। कितना और ऐड करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा देखो ध्यान से, आर इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1 2 है, 2 3 है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो अपने को 1 1 चाहिए था, 2 2 चाहिए था, 3 3 चाहिए था। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी चाहिए और 3 2 भी चाहिए। तो देख भाई 2 1 यहाँ पे आ रहा है ना तुम्हारा, जैसे कि मान लो कितना और जोड़े, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या, तो चेक करके देख लेते हैं। 2 1 1 2 तो 2 2 है हमारे पास, 1 2 2 2 तो है ही पास हमारे पास, 2 3 2 3 3 3 तो 2 3 भी है हमारे पास, 3 2 2 2 ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ देखो 2 3 2 2 1 तो 3 2 2 1 तो 3 1 होना चाहिए था, तो 3 1 नहीं है, तो अभी हमको 3 1 भी डालना पड़ेगा। तो 3 1 डालेंगे तो क्या हो गया, 3 1 3 भी डालना पड़ेगा हमको, क्योंकि 3 1 डालेंगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 3 6 तो 1 2 3 4 5 6 7 सारा का सारा आ गया। तो ये 2 मेरे पास पहले से था और क्या होना, कितना जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जुड़ रहा है, तब जाके वो क्या बन रहा है कि कम से कम हमको 7 जोड़ेंगे तब जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो ये ऑप्शन हो गया A7। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग आते हैं 42 पर। देखो 42 क्या है। ठीक है, तो 42 देखो, इंटीजर आर डिफाइंड बाय ए बी, ए डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स बी। अच्छा ये हम लोग बना चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे ना, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो पहला तो ए को डिवाइड करेगा, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया है ना, ए को डिवाइड करेगा, हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा क्योंकि ए अगर बी को डिवाइड करेगा तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी को डिवाइड कर देगा। तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ए और सी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो 43 आते हैं। तो क्या हो रहा है, थोड़ा देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि इफ द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। The set of all points related to P is the, कहता है the set of all points related to P नॉट इक्वल टू जीरो इज द। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या कह रहा है? ओपी बराबर है ओक्यू। ओपी और ओक्यू क्या है तुम्हारा? बराबर है। तो ओपी ओक्यू बराबर है मतलब ओरिजिन से कोई भी पॉइंट ले लो उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर है, ठीक है। तो वो रिलेशन में है। तो जैसे कि मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, अब ये पॉइंट Q है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है। तो जितना भी डिस्टेंस लेंगे सबका ये बराबर है, जितना भी डिस्टेंस लेंगे ये सबका ये बराबर है। तो ये जो बनेगा तो क्या बन रहा है? सर्कल। क्या बन रहा है? सर्कल। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? A, ठीक है। चलो 44 क्या कह रहा है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट A ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स कहने का मतलब क्या होता है? फिगर जिसमें दो से ज्यादा साइड्स हो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगॉन। तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। कहने का मतलब वो रिलेट कब करेगा? जब दोनों का साइड सेम हो, ठीक है। देन द साइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कहता है साइड्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5 इज। अब तुम देखो कह रहा है क्या कि बताओ अगर क्या कह रहा है रिलेशन क्या है कि दो पॉलीगॉन अगर दोनों का साइड सेम है तो वो रिलेट कर रहा है। तो बताओ ट्रेंगल, ये ट्रेंगल T है जिसका साइड का लेंथ जो है वो 3, 4 और 5 है। साइड का राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल T है जिसके साइड का लेंथ 3, 4, 5 है। तो ये किससे रिलेट करेगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोल रहा है इस T का, ठीक है, इन A। और A तो तुम्हारा सेट ऑफ सारा पॉलीगॉन है। तो सिंपल सा बात है कि ट्रेंगल T है तो ट्रेंगल में कितने साइड्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो आ रहा है वो साइड्स पर डिपेंड कर रहा है कि अगर साइड सेम है तो वो रिलेशन में आएगा। तो ट्रेंगल T है, T में 3 साइड होता है, तो 3 साइड का क्या होता है? ट्रेंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल लेंगे तो सिर्फ ट्रेंगल आएगा, ये ट्रेंगल लेंगे तो इसमें क्या होगा? जितने भी ट्रेंगल है, क्योंकि सारे हर एक ट्रेंगल में कितना होता है? 3 साइड होता है, ठीक है। तो 3 साइड होता है तो ये T रिलेट करेगा, मतलब ये ट्रेंगल जितना भी ट्रेंगल हो, चाहे किसी भी तरह का ट्रेंगल हो, वो T से रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में भी 3 साइड और कोई भी ट्रेंगल लेंगे तो उसमें भी 3 साइड। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। चलो 45 आते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन and R be the relation in L defined by R equals to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। L1 क्या है? L2 के पैरेलल है। L1 क्या है तुम्हारा? L2 के पैरेलल है। समझ में आ रहा है बात? तो L1 L2 के पैरेलल है, तो हर एक लाइन खुद के पैरेलल होता है। तो बोल रहा है इफ R is an equivalence relation then the set of all lines related to। अच्छा कहता है ये एक लाइन है, ये किससे रिलेट करेगा? तो y equals to 2x plus r, ये क्या एक लाइन का इक्वेशन है। बोल रहा है ये किससे रिलेट करेगा? तो हम लोग को पता है कि ये अगर एक लाइन है तो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा उसी से ये रिलेट करेगा। तो एक लाइन के पैरेलल लाइन का क्या होता है डेफिनेशन? कि दो लाइन कब पैरेलल होते हैं? जब दोनों का स्लोप बराबर होता है। दोनों का स्लोप बराबर कहने का मतलब ये 2x है ना, तो ये देखो 2x, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2x ये स्लोप बराबर है, तो ये वाला साफ दिख रहा है y equals to 2x plus c। c कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है? इससे जो भी लाइन आएगा वो इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। ये सब तो अलग है नहीं, तो आंसर क्या हमारा? ए है। क्यों? ये पैरेलल लाइन क्या होता है? दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब दोनों का स्लोप क्या हो? बराबर हो, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये y equals to 2x plus 4 के पैरेलल क्या हो जाएगा? y equals to 2x plus c, ठीक है। चलो हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने क्या किया? पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा रिलेशन का, और उसपे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा सॉल्व कराने के पीछे का मेरा क्या था कि आप ना अच्छे से क्या हो इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए। अब अगले क्लास में कल हम क्या करेंगे? रिलेशन से जो भी बेस्ड रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है चलिए, इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।